हिमाचल प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई। मिशन 2022 के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा ने रणनीति बनाई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा ने की, जबकि प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद राजबली ने कहा कि अल्पसंख्यक मिशन 2022 को सफल बनाने में पूरी तत्परता से काम करेगा। कोरोना से निपटने में सरकार सफल रही है और विपक्ष असफल रहा है। जयराम सरकार ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिमाचल से बनाया, जबकि कांग्रेस ने बाहरी राज्य के व्यक्ति को ये पद दिया था। कोरोना के समय भाजपा फील्ड में थी, जबकि कांग्रेस इस दौरान नदारद थी। सीएम जयराम ठाकुर को कोविड-19 में बेहतर कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। जब कोरोना का संकट बढ़ा तो विपक्ष का एक भी नेता फील्ड में नहीं था, सिर्फ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही फील्ड में डटे हुए थे और सरकार जनता के साथ खड़ी रही। अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी कांग्रेस राज में हुई है, भाजपा में इस वर्ग की अनदेखी नहीं हुई है। प्रदेश की जयराम सरकार ने मुस्लिम वर्ग का जो वक्फ बोर्ड होता है उसका चेयरमैन हिमाचल से बनाया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने बाहरी राज्य से व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पद सौंपा था। सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण योजना बनाई, जबकि कांग्रेस ने ऐसा करने के बारे में सोचा तक नहीं। भाजपा अल्पसंख्यक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, पूरा अल्पसंख्यक एक साथ मिशन 2022 को सफल बनाएगा। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक धर्मशाला में हो रही है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बुलाए हैं। मिशन 2022 को सफल करना है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, उसके लिए आज ये बैठक है। आगे की जो उसमें रूपरेखा होगी वो तय की जाएंगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी हैं, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट के प्रभारी और वूल फेडरेशन के चेयरमैन हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से निपटने में सरकार सफल रही है, विपक्ष असफल रहा है हमेशा, वो कुछ कर नहीं पाया है। ठीक, वो अपनी असफलताओं को सत्ता सरकार पे वो करना चाहता है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को आप जानते ही हैं, किसी एजेंसी ने सर्वे की और सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आका गया जिसने कोविड-19 के लिए अच्छा कार्य किया। जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली थी तब कोई विपक्ष का आदमी हिमाचल प्रदेश में मिला, कहीं मिलता नहीं था। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार जनता के साथ हमेशा खड़ी थी। कोई भी कहीं भी किसी भी इंसान को किसी भी तरह की परेशानी थी उसमें पूरे लगन से हर तरफ से सहयोग किया है, हर इंसान का, हर हिमाचलवासी का, हिमाचल सरकार ने। आज तक अनदेखी जो हुई है कांग्रेस सरकार में हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी अल्पसंख्यक अनदेखी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश का एक वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम वर्ग के लिए होता है उसका चेयरमैन हिमाचल से बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद से एक नवाब को लेकर बिठाया था जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी गलत तरीके से अपने नाम करवा के हैदराबाद चले गया, जिसने हिमाचल के लिए क्या बताया कांग्रेस पार्टी बताई। और हिमाचल वक्फ बोर्ड से पहली बार मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना चलाई, आज तक किसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं चलाई ये बताएं। और कौन सी सरकार ने आज तक इनकी उपलब्धियां, अपनी उपलब्धियां बताई इन्होंने क्या आज तक प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किया। अल्पसंख्यक मोर्चा हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। हमारे पूरे प्रदेश में टीम गठित है, 17 जिलों में टीम गठित है, 68 मंडलों में टीम गठित है, 878 बूथ हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल है उन पर टीम गठित है हमारी। और एक सारा समाज एक तरफ लग के 2022 जो मिशन है उसको सफल बनाएगा।